एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जेनरेटर एक्स के उस एपिसोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस एपिसोड में बोबो के एक राज का पर्दाफाश होगा। जेनरेटर एक्स के सीजन 3 और एपिसोड 5 का नाम है रोबो बोबो। तो गाइस बोबो के राज को जानने के लिए रेडी हो जाओ। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोविडेंस में अलर्ट के साथ अनाउंसमेंट होता है कि कुछ हिबोस भाग रहे हैं और ये हादसा बाहर हुआ है। रेक्स एक हिबो खरगोश को काबू करने की कोशिश में कहता है, क्या कोई इस पागल खरगोश को बेहोश करेगा या किसी पारसूर से जंगल में छोड़ आएगा। रेक्स देखकर कहते हैं, रुक जाओ, ये मामला दिलचस्प हो सकता है। पर रेक्स के हालात को देखकर वो कहते हैं, यह मामला बिगड़ सकता है, चलो बच्चे को बचाते हैं। प्रोविडेंस की शिप निकल पड़ती है उस हिबो को पकड़ने के लिए। रेक्स उस खरगोश से परेशान होकर कहता है, हो सकता है मैंने तुम्हारे किसी रिश्तेदार को गाजर नहीं दी, लेकिन तुम उसका गुस्सा अभी क्यों निकाल रही हो। तभी बोबो वहां आता है प्रोविडेंस के कुछ एजेंट्स के साथ। रेक्स कहता है, बोबो दिखा दो अपना कमाल। बोबो उस खरगोश को खाना देता है। रेक्स पूछता है, इससे क्या होगा, क्या उसमें गाजर भरी हुई है। बोबो कहता है, नहीं सिर्फ अल्फा अल्फा, खरगोश को अल्फा अल्फा पसंद होती है। रेक्स कहता है, और हमें पसंद है धुलाई करना, तो शुरू हो जाओ। बोबो कहता है, धुलाई हमेशा आखिरी रास्ता होता है। ऐसा कहकर वो उस खरगोश को अल्फा अल्फा स्प्राउट्स देता है, साथ ही वो एजेंट्स को डोनर्स भी देता है। ये सब रेक्स को बहुत अजीब सा लगता है। प्रोविडेंस में हॉलिडे कहती है, इस इवो का बिहेवियर समझना मुश्किल है, हम उस पर थोड़ा और टेस्ट करेंगे। रेक्स कहता है, खरगोश को छोड़ो डॉग, टेस्ट की जरूरत उस बंदर के बच्चे को ज्यादा है। हॉलिडे कहती है, बोबो क्या मतलब है। रेक्स कहता है, हाँ वो हाथ पैर चलाने के बजाय अपना दिमाग ज्यादा चला रहा है, और वो डोनर्स। हॉलिडे कहती है, बोबो को डोनर्स अच्छे लगते हैं। रेक्स कहता है, हाँ पर वो डोनर्स कभी बांटकर नहीं खाता और उसकी बोल भी साफ हो गई है, उसने अपने पैरों के नाखून भी साफ कर लिए है और पूरे दिन उसने कोई तोड़फोड़ भी नहीं की। हॉलिडे कहती है, तो तुम्हें इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि बोबो अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार मेंबर की तरह पैसा रहा है। रेक्स कहता है, इस बात को दोबारा जरा जोर से कहो, फिर देखो कितना अजीब सा लगता है। हॉलिडे कहती है, फैसला करने में इतनी जल्दबाजी मत करो, बोबो ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, हम सब पर अपने अतीत के बातों का असर होता है। रेक्स पूछता है, कैसा अतीत। हॉलिडे कहती है, मतलब तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं, इवो बनने से पहले बोबो एक मददगार जानवर था जिसे एक संकी भोले आदमी ने बीमार बच्चों का दिल बहलाने के लिए ट्रेन किया था। ये सुनकर रेक्स कहता है, हमारा बोबो, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो ना। हॉलिडे कहती है, बिल्कुल नहीं, और कभी कभी मुझे लगता है उसका पुराना रवैया उस पर हावी होने लगता है, मुझे उसे समझने के लिए कभी वक्त नहीं मिला था। रेक्स कहता है, आप चाहे जो भी मान लीजिए पर वो मेरे साथ रहता है। हॉलिडे गुस्से में कहती है, रेक्स मुझे फिलहाल इस खरगोश को समझना है, इसलिए अगर तुम्हें बोबो से कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद ही सॉल्व करो। रेक्स कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बोबो यहाँ प्रोविडेंस टैंक को ठीक करने में एजेंट की मदद कर रहा होता है। वो एजेंट कहता है, वो तुम ही थे जिसने पिछले महीने इस गाड़ी को खराब किया था। बोबो कहता है, इसलिए इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी थी, हमें अपने गुस्से को इतने वक्त तक दिल में नहीं रखना चाहिए, इससे सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। रेक्स चुपके से ये सब देख और सुन रहा होता है। फिर बोबो एजेंट्स के साथ ताश खेलने लगता है। रेक्स कहता है, ओके, ताश बोबो का दूसरा नाम है। पर बोबो उस एजेंट से ताश में हार जाता है और अपने हार को एक्सेप्ट कर लेता है। रेक्स सिक्स के पास आकर बोबो के बिहेवियर के बारे में शिकायत करता है। सिक्स कहते हैं, 3 सेकंड पहले मैं सो रहा था इसीलिए मैंने कुछ नहीं देखा। रेक्स कहता है, 1 मिनट, आप सूट पहनकर सो रहे थे, चलो ये भी एक अजीब सी बात है, पर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही है जिसके पास मैं परेशान होने पर आता हूँ। सिक्स कहते हैं, और मैं भी इस बात से बचता हूँ। ये सुनकर रेक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो फिर से बोबो की शिकायत करता है तो सिक्स कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि बोबो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। रेक्स कहता है, वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले पर वो बोबो ही रहेगा और मैं ये साबित करके रहूंगा। रेक्स बोबो को पार्टी करने के लिए लाता है पर बोबो इससे इनकार करता है। रेक्स और बोबो के बीच लड़ाई होती है, तभी बोबो का सर अलग हो जाती है और रेक्स को पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक रोबोट है। रेक्स पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है, वैंकलेस, जागरेस। तभी बोबो अपीयर होता है स्क्रीन पर और वो कहता है, रोबोट की ऐसी की तैसी मत करो इंसान की ही के, तुम सब बिगाड़ दोगे। रेक्स पूछता है, बोबो तुम ठीक हो ना। बोबो कहता है, देखो रेक्स, मुझे जरूरत है बोबो टाइम की, जिसकी तुम धुलाई कर रहे थे मैं उसे सालों से अपनी जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेक्स पूछता है, इस बोबो टाइम का मतलब क्या है। बोबो कहता है, ये अंदर की बात है, बस मेरे आने तक मेरा पोल मत खोलना, ठीक है। तभी हॉलिडे रेक्स को ऐसी पोजीशन पे देखकर वहां से शर्म के मारे चली जाती है। रेक्स बोबो से कहता है, मुझे तुमसे नफरत है, और वो बोबो की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है।
उस खरगोश के ज्यादा पास आने पर सिक्स को हॉलिडे धक्का दे देती है और कहती है तुम बहुत पास चले गए थे। सिक्स के खरगोश के बारे में पूछने पर हॉलिडे बताती है कि ये फीमेल है और जल्दी जन्म देने वाली है। इधर रेक्स उस रोबो बोबो के प्रोग्राम को बदलने का कोशिश करता है। उसे एक शांत बोबो बनाने के बजाय वो उसे एक मस्तीखोर बोबो बना देता है और कहता है बुरा अच्छा है और अच्छा बुरा है। इसके साथ वो उसे शैतानी करने के लिए भेजता है। एजेंट्स को प्रॉब्लम में डालकर रेक्स बहुत मजा लेता है पर रोबो बोबो उदास हो जाता है। रेक्स उसे ताश खेलने की जगह पर भेजता है चोरी करने के लिए। रोबो बोबो कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रेक्स कहता है मजाक कर रहे हो। असली बोबो तो उनके फटे हुए कच्छे भी निकाल के ले आता है। रेक्स अपने कमरे में आकर कहता है हमारा काम हो गया, बोबो की इज्जत का कचरा हो गया। हम उस जगह पर बंद है जहाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे साथ घूमने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता। पर रोबो बोबो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो कहता है पर मैं उसी काम में खुश था जिस काम के लिए मुझे प्रोग्राम किया गया था। तभी सायरन बजता है और हॉलिडे रेक्स को पेटिंग जू में बुलाती है। वहाँ जाने पर उन्हें ढेर सारे खरगोश के बच्चे मिलते हैं। रेक्स कहता है एक क्या कम था जो आपने और बना लिए। हॉलिडे कहती है हमने नहीं उसने। वो खरगोश के बच्चे रेक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। रेक्स कहता है ओ नो, ये भी मुझसे उतना ही चिढ़ते हैं जितना कि वो। हॉलिडे बोबो को रेक्स की मदद करने के लिए कहती है तो रोबो बोबो कहता है मदद करना अच्छा होता है पर अच्छा बुरा होता है। रेक्स उन खरगोश को मारने लगता है और वो बोबो से कहता है बोबो जल्दी से थोड़ा अल्फा अल्फा लाओ और इन्हें शांत करो। लेकिन रोबो बोबो उस बड़े खरगोश को आजाद कर देता है। हॉलिडे कहती है वो अपने बच्चों को बचा रही है। रेक्स कहता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, सिक्स ताने मार मार के मुझे जीने नहीं देंगे। सिक्स कहते हैं व्हाइट नाइट बहुत गुस्से में है, ये बंदर की गलती थी या रेक्स की। हॉलिडे कहती है बस यूं मान लो अगर हमने बोबो को इसी समय काबू नहीं किया तो शायद कल नाइट के सामने बोबो के खाल तक नजर ना आए। रेक्स रोबो बोबो का पीछा करके पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। बोबो कहता है देख रहा हो कि बंदर का बच्चा क्या सच में ताकतवर होता है खरगोश के पैर से या नहीं होता है। रेक्स कहता है अगर हमने इसे यही नहीं रोका बोबो तो असली बोबो की पोल खुल जाएगी। वो बोबो कहता है अच्छा बुरा है पूरा अच्छा है। इधर हॉलिडे और सिक्स खरगोश के बच्चे को पकड़ने का कोशिश कर रहे होते हैं तभी रोबो बोबो जू के डोर को खोलने का कोशिश करता है। रेक्स उसे रोकने का कोशिश करता है पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वो डोर ओपन कर देता है। सिक्स कहते हैं क्या मैंने कभी बताया कि मुझे इस बंदर के बच्चे से नफरत है। हॉलिडे कहती है कई बार। रोबो बोबो कहता है खुश होना रेक्स, इससे बड़ी शरारत मैंने आज तक नहीं की। तभी रियल बोबो आकर रोबो बोबो को मुक्का मारता है। बोबो कहता है सॉरी दोस्त पर हम आखिरी बार मिल रहे हैं। सामने दो दो बोबो देखकर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं पर रोबो बोबो वहां से भाग जाता है। हॉलिडे और सिक्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो रोबो बोबो मस्ती करने लगता है। बोबो कहता है तुम उस खरगोश और उसके बच्चे को संभालो, मैं डुप्लीकेट को देखता हूँ। बोबो उसके ऊपर लेजर से अटैक करता है और कहता है तुम्हारा वक्त पूरा हुआ नकली बोबो। पर रोबो बोबो कहता है कोशिश करके देख लो। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। हॉलिडे और सिक्स खरगोश के बच्चे को पकड़ने का कोशिश करते हैं। उस रोबो बोबो से फाइट करते हुए बोबो कहता है मैंने उसे इतना समझदार क्यों बनाया। वो रोबो बोबो जो के बाकी यूवर्स को अपने साथ लेकर बाहर आने का कोशिश करता है पर बोबो आकर उस रोबोट का खेल खत्म कर देता है। रेक्स उस खरगोश को कहता है कमन अम्मा खेल खत्म किया जाए पर हॉलिडे ने कुछ अल्फा अल्फा की मदद से उस ईबो खरगोश को संभाल लिया। रोबो बोबो कहता है दिल के अरमान आंखों के सामने बह गए और उसकी दी एंड हो जाती है। बोबो कहता है तुम्हारी याद आएगी। सिक्स उससे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। बोबो कहता है बस मुझे एक सेकंड दो और वो अपनी नकली कहानी बताने लगता है। असल में मैं जॉगिंग करने गया था, एक बदमाश से मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब था, बदला लेने के लिए उसने मुझे किडनैप कर लिया और मेरे जगह इस शैतान रोबोट को भेज दिया ताकि वो मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा सके यानी आप लोगों को। ऐसा कहकर वो सिक्स के गले लग जाता है। फिर वो कहता है किस्मत से मैं उससे बचकर यहाँ आया हूँ। सिक्स उसे छोड़ देते हैं। कमरे में आकर रेक्स बोबो को उसके असलियत के बारे में पूछता है पर बोबो कहानी बनाने लगता है। अब ये सुनकर रेक्स अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। रोबो बोबो ने तो आज कमाल कर दिया। खैर अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।